दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारी न्यूज वगैरह मैं ले आया हूँ। वैसे मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी डाल दूं, क्योंकि दोस्तों एडिटिंग करने में और बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर लेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से, और वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने कल रात को उनकी नई लॉन्च कर दी है विंडो, और वो है विंडो 365। और दोस्तों, ये विंडो जो है 2 अगस्त से अवेलेबल हो जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। और दोस्तों, ये विंडो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली दोस्तों, ये जो विंडो है ये क्लाउड बेस्ड पीसी के लिए भी है। और दोस्तों, इसको आप अपने एंड्रॉयड में, आईओएस में, लैपटॉप्स में, मैक्स में, पीसीज में तो होती है, मतलब हर तरह के डिवाइसेस में लगभग आप कर सकते हो, जिसमें टच का सपोर्ट है या फिर जो लैपटॉप या बड़े डिवाइसेस जैसे ऐसे। तो ये एक जबरदस्त चीज है। और दोस्तों, ये काफी अलग तरह का ओएस निकाला गया है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, तो इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आईओएस में डाल रहे हो, मतलब आईपैड में डाल रहे हो, आईफोन में डाल रहे हो, आप इसको एंड्रॉयड फोन में डाल रहे हो, तो या आप किसी भी फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी आईपैड वगैरह में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जबरदस्त चीज निकल के आई है विंडो की तरफ से। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक जो है वो $1 बिलियन को इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा रील्स वगैरह क्रिएट करें फेसबुक के ऊपर, अपने वो जो शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं उनको क्रिएट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बना रहे हैं अगेंस्ट टिकटॉक और स्नैपचैट। तो ये इनके अगेंस्ट जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम तो आपसे आगे निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को इधर लेके आ सकें। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से। और दोस्तों, ट्विटर की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही है कि जो उनके फ्लीट्स हैं, जो हम ट्वीट करते हैं, एक फ्लीट्स करते हैं, वो फ्लीट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे 3 अगस्त से। मतलब अब ये जो है फीचर सपोर्ट नहीं करेगा और ये खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों, ट्विटर का ये पहला फीचर नहीं है जो डेड हो रहा है। ये काफी मतलब देर से कुछ ना कुछ फीचर निकालते जा रहे हैं अपनी एप्स वगैरह में से, अपने ट्विटर में से। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ अब नया आएगा उसकी जगह पे। वैसे फ्लीट्स का दोस्तों, अगर आपको काम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्लीट्स का काम होता था कि जैसे हमने किसी ट्वीट के नीचे कोई ट्वीट कर दिया तो उसे फ्लीट करते थे, या जैसे रिप्लाई टाइप में, या फिर कुछ फ्लीट ऐसे होते थे जिसमें स्पेशली हम किसी स्पेसिफिक फोटो या वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसके लिए यूज होता था। तो अब वो खत्म हो जाएंगे, तो उनकी जगह पे कोई नया अब आ रहा है फीचर। तो देखते हैं क्या निकल के आता है ट्विटर की तरफ से। और दोस्तों, फाइनली आज व्हाट्सएप के जो बीटा टेस्टर्स हैं उनको वो अपडेट मिल रहा है जो मैंने आपको बताया था, मल्टी डिवाइस सपोर्ट का। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर निकल के आया है, क्योंकि अगर आपका फोन बंद भी है, ऑफ भी है, तब भी आप अपने पीसी में, लैपटॉप में, आईपैड में, मतलब हर जगह आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है व्हाट्सएप की तरफ से। और दोस्तों, आज एक न्यूज निकल के आई है कि नोकिया जो है वो G20 उसका वो आज सेल पे जा चुका है। आप जाके बाय कर सकते हो उसे अमेजोन से और नोकिया की अपनी वेबसाइट से। और दोस्तों, इसका प्राइस निकल के आया था 12999 का, और ये आपको मैंने बताया था मीडियाटेक हीलियो G35 के ऊपर आता है, तो प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा था, बट अब आ चुका है दोस्तों। अगर किसी को लेना है नोकिया का फोन तो आप ले सकते हो। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है पोको की तरफ से। और दोस्तों, पोको का कुछ टीज हुआ था थोड़े दिन पहले लेटेस्ट, तो उसमें से आज भी शायद लेटेस्ट एक टीज हुआ था पिक्चर वगैरह, तो उसमें कंफर्म हो चुका है कि जो पोको का प्राइस होने वाला है वो अराउंड 30,000 के होने वाला है। और दोस्तों, इसका जो रिफ्रेश रेट होने वाला है 120Hz का होने वाला है। तो ये एक जबरदस्त फीचर निकल के आ रहा है पोको की तरफ से। दोस्तों, इसके अंदर एड ऑन कर दूं कि इसके अंदर HDR10 का भी सपोर्ट होने वाला है और इनकी स्क्रीन एमोलेड होने वाली है, तो ये जबरदस्त होने वाला है फोन पोको F3 GT। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग जो है उसका A12 अभी लॉन्च होना है दोस्तों। और दोस्तों, बेसिकली ये स्पॉट किया गया कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर कि ये जो फोन आने वाला है ये हो सकता है कि सैमसंग का अपना एक्जिनोस जो उनकी सीरीज चलती है उसके अंदर 850 प्रोसेसर होने वाला है। वैसे जो पहले र्यूमर्स निकल के आए थे वो ये थे कि जो A12S है उसके जैसे ही मतलब वही वाला प्रोसेसर होने वाला है, तो अभी प्रोसेसर थोड़ा चेंज लग रहा है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों, आज फाइनली न्यूज निकल के आ चुकी है वीवो की तरफ से, वीवो Y72 5G। मैं आपको बताया था थोड़े दिन पहले ये फोन जो आने वाला है और इसका प्राइस वही निकल के आया 20,990 रुपीज। वैसे उस टाइम जो हमें रूमर निकल के आए थे वो ये आए थे कि मीडियाटेक के ऊपर होने वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये आज लॉन्च हो गया और इसके ऊपर आया है Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर।
तो प्रोसेसर काफी अच्छा है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ इसमें फीचर्स वगैरह निकल के आते हैं। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फिर से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक ट्वीट डाला था और उसने कहा था कि उसमें अगर आप 20,000 या 20K लाइक्स कर दोगे तो हम वो क्लिपी को वापस ले आएंगे। तो बेसिकली दोस्तों क्लिपी एक इनका मतलब फीचर था जो कि पुरानी विंडोज में आता था, 2001 या उससे पहले वाली विंडोज में था, तो मैंने तो कभी देखा नहीं है। दोस्तों ये जो फीचर था इसको सुन के काफी लोग एक्साइटेड हो चुके हैं, ट्विटर पूरा उनका मतलब भर रहा है कि कब लेके आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो। और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि जो विंडो आज लॉन्च हुई है 365 उसके अंदर आने वाला है, तो देखते हैं दोस्तों मैं भी देखूंगा कैसा होता है फीचर। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और जो गूगल है उसने एक्सपेंड कर दिए हैं अपने क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को इंडिया के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर। ये काफी सारे सेटअप हुए हैं, नए सेंटर्स वगैरह उनके। और दोस्तों ये जो है उन्होंने कहा है कि जियो की हेल्प से उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी जियो के साथ पार्टनरशिप हुई थी इसके ऊपर और उन्होंने इनकी हेल्प की है ये सारे सेंटर्स वगैरह बनाने के लिए। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है स्पेन की तरफ से, स्पेन में दोस्तों कुछ नए फॉसिल फ्यूल्स डिस्कवर हुए हैं डायनासोर्स के। और दोस्तों ये नया डायनासोर डिस्कवर किया गया है जिसके जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं दो 2 decades ओल्ड हैं, यानी कि दोस्तों ये 25th डिस्कवरी है स्पेन के अंदर इस स्पीशीज वगैरह की अलग अलग जो मिल रही है। दोस्तों ये काफी जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि ऐसी न्यूज में देता नहीं हूं बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने जरूर दी आपको। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से, और रेडमी का 10 आने वाला है। बेसिकली दोस्तों इसके ऊपर काफी सारे सर्टिफिकेट वगैरह लिस्ट हुए हैं और ये आने वाला है 50 MP के कैमरा के साथ, और इसके अंदर 6 GB की रैम होने वाली है। दोस्तों ये सक्सेसर होने वाला है रेडमी 9 का, देखते हैं दोस्तों। और फाइनली दोस्तों आज न्यूज निकल के आ गई है ASUS की तरफ से, और ASUS के मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि वो अपने नई क्रोमबुक्स वगैरह लेके आए। वैसे उन्होंने बताया नहीं था, मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारे रूमर्स वगैरह निकल के आए थे, और उन्होंने आज सच में बहुत सारी क्रोमबुक्स वगैरह लॉन्च किए और टोटल 4 क्रोमबुक्स लॉन्च किए हैं। और इनका प्राइस जो है स्टार्ट होता है 17999 से, यानी कि सबसे छोटे वाली 17999 से शुरू होती है। इनके मॉडल के हिसाब से आपको देख के बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली इनका जो सबसे छोटा वाला मॉडल है वो है C223, यानी कि इसका प्राइस है 17999 वाला, और जो इससे बड़ी वाली है उसका प्राइस है, वैसे मॉडल बता दो पहले दोस्तों, इसका मॉडल है 523 और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 20999 से, यानी कि 21,000 rupees। और दोस्तों इसी के साथ है, इसी के जैसी है वो है C423 और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 19999 से, तो ये लगभग आपको एक बजट वाली क्रोमबुक है। और दोस्तों एक क्रोमबुक है C214 और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 23999 से, तो ये सबसे महंगी वाली है और ये इसके फीचर्स वगैरह भी ज्यादा हैं। तो अगर आपको नया लैपटॉप लेना है क्रोमबुक के ऊपर, मतलब क्रोम ओएस के बेस, तो आप ले सकते हो, ये काफी बजट में आ गई है ASUS की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फाइनली टेक्नो की तरफ से, मैंने आपको बताई थी कैमॉन सीरीज आने वाली है उनकी 17 सीरीज, जिसके अंदर कैमॉन 17 और कैमॉन 17 प्रो ये दो फोन लॉन्च होने थे, और दोस्तों आज फाइनली ये लॉन्च हो चुके हैं और इनका प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ सामने आ चुका है। स्पेसिफिकेशन दोस्तों वही सेम आई है जो मैंने आपको बताई थी, एकदम डिट्टो कॉपी। और दोस्तों जो इनका प्राइस निकल के आया है वो है 17 वाले का 12999 और जो 17 प्रो है उसका प्राइस निकल के आया है 16999 का, तो ये बढ़िया प्राइस निकल के आया है दोस्तों। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है, ये बहुत बड़ी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। RBI ने कह लीजिए या इंडियन गवर्नमेंट ने कह लीजिए आज मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है इंडिया में। अब दोस्तों जिनके पास मास्टर कार्ड है उनके पास सिर्फ 5 महीने लगा दीजिए दोस्तों, आपके पास सिर्फ टाइम है उस कार्ड को वीजा कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अभी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 महीने तक, लेकिन उसके बाद जो है वो कार्ड बंद हो जाएगा। मास्टर कार्ड जो है अब बंद हो चुके हैं, अब नए नहीं मिलेंगे, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो, दोनों के दोनों बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो है आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। और दोस्तों ये जो कार्ड्स हैं ये आपको मैं बता दूं ये 22nd of July से बंद हो जाएंगे, तो इनका यूज अगर आप नहीं कर पाओगे सही ढंग से, अगर कहीं चलेंगे तो शायद चल पाएंगे बड़ी मुश्किल से, तो 22nd of July तक इसकी लास्ट डेट है वैसे, तो आप चेंज जरूर करवा लीजिएगा दोस्तों अगर आपके पास मास्टर कार्ड है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, नेटफ्लिक्स जो है वो जल्दी से जल्दी काफी मतलब काम करता जा रहा है अपनी अगली ऐप के ऊपर और ज्यादा। और दोस्तों ये इन्होंने लिख दिया कमिंग सून गेम्स के लिए। बेसिकली दोस्तों अब नेटफ्लिक्स जो है, जो आप उसकी मेंबरशिप लेते हो, सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो, उसी के अंदर अब आपको गेम्स खेलने को भी मिलेंगी, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, किड्स कॉर्नर बन जाएगा एक उसके अंदर, तो जबरदस्त हो जाएगा दोस्तों।
और अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों रियलमी GT का मास्टर एडिशन की तरफ से। और दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है, इसकी डेट आ चुकी है 21 जुलाई को। और दोस्तों ये जो फोन होने वाला है, ये होने वाला है Qualcomm Snapdragon 870 के ऊपर, यानी कि काफी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर 65 वॉट का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा साथ में, और इसका जो रियर कैमरा होने वाला है वो होना है 15 मेगापिक्सल का। तो काफी जबरदस्त न्यूज निकल के आई है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज ये फिर से रियलमी की तरफ से, और रियलमी जो है वो अपनी वॉच 2 प्रो और बड्स वायरलेस 2 न्यू, ये दोनों चीजें लॉन्च करने वाला है 23 जुलाई को। वैसे इकट्ठी कर देनी चाहिए थी, पर चलिए एक दो दिन का बीच में फर्क डाल दिया। और दोस्तों ये अमेजोन के ऊपर टीज हो चुका है, इनका एक पेज बन चुका है। और दोस्तों जो वॉच 2 प्रो होने वाली है वो आपको मैं बता दूं, उसका ग्रे और ब्लैक स्ट्रैप का मतलब स्ट्रिप का कलर होने वाला है, सिर्फ दो ही ऑप्शन में आने वाली है। इसके अंदर रेक्टेंगुलर कलर की डिस्प्ले आने वाली है, और दोस्तों ये बड़ी डिस्प्ले होने वाली है, तो ये दिखने में काफी बड़ी लगेगी, अच्छी लगेगी। और दोस्तों अगर मैं बड्स वायरलेस 2 की बात करूं तो दोस्तों वो न्यू वाले, तो वो वाले जो होने वाले दोस्तों ये 17 आवर्स का बैकअप लेके आएंगे अपने साथ में। तो ये एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और दोस्तों सैमसंग के जो S20 सीरीज है उसमें दोस्तों कोई गड़बड़ आ रही है, जो स्क्रीन है उनमें जो है कहीं पूरा व्हाइट कलर हो जा रहा है, कहीं पे पूरा ग्रीन कलर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो व्हाइट नहीं ग्रे कह लो, ग्रेश कह लो। तो दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर पूरा फैल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, लोगों ने रीसेट वगैरह भी किए फोन तो उससे ठीक नहीं हुआ। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों ये हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हार्डवेयर को आपको ठीक करवाना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा आपको फोन। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा सैमसंग के स्टोर पे। और दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है ऑटो न्यूज में। तो दोस्तों ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है ये दोस्तों एक बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन खुल चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नवी मुंबई में। और दोस्तों यहाँ पर 17 चार्जर्स हैं AC पावर के, और इसके अंदर जो आपको मिलेगी 3.5 किलोवाट से लेके 7.5 किलोवाट तक की रेंज में चार्जिंग, प्लस DC के अंदर मिलेगी आपको 15 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक की। तो ये नए खुल चुके हैं चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में, और दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खुला है, तो ये आज खुल चुका है दोस्तों। और दोस्तों फाइनली आज मर्सिडीज की E53 और E63S, मैंने आपको ये गाड़ियों के बारे में पहले बताया था, ये दोनों आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। और जो E53 है उसका प्राइस निकल गया है 1.02, और दोस्तों यानी कि 1.02 करोड़ रुपीज। और जो E63S होने वाली है उसका प्राइस आया है 1.70 करोड़ रुपीज। दोस्तों गाड़ियां बहुत जबरदस्त हैं, पावरफुल एकदम, तो ये आज लॉन्च हो चुकी है फाइनली। और दोस्तों एक और न्यूज निकल के आ रही है जो मैंने आपको बताई थी लेम्बोर्गिनी की होराकान, और दोस्तों ये STO इसका मॉडल आने वाला था नया, और आज ये इंडिया में लॉन्च हो गया है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्राइस निकल के आया है 4.99 करोड़ रुपीज, तो डायरेक्टली 5 करोड़ कह लीजिए अब। दोस्तों एक और गाड़ी लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, और वो है BMW की XG टेक एडिशन। दोस्तों ये स्पेशल टेक एडिशन है टेक के लिए। तो दोस्तों ये वाला एडिशन जो लॉन्च हुआ है ये 43 लाख रुपीज में लॉन्च हुआ है, तो ये काफी मतलब उन्होंने रखा है इसकी रेंज को ठीक ठाक। वैसे दोस्तों मैं बता दूं इसके अंदर 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। दोस्तों इसकी जो पावर है वो है 192 HP की, तो काफी जबरदस्त कार निकल के आई है BMW की तरफ से। तो दोस्तों फाइनली आज की हमारी न्यूज वगैरह यहाँ पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।